एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट लेकर जस्ट बैठी हूँ। बहुत थक गए, बहुत काम है आज मेरे को। आज मुझे अपना किचन, जो क्लाउड किचन वाला काम हमने शुरू किया था, वो मैंने बनाना है, क्योंकि आयुष तो अभी रास्ते में निकल चुका है, रास्ते में होगा। बस अभी तैयारी करते हैं, क्योंकि मैंने लंच भी बनाना है, साथ में क्लाउड किचन का भी काम करना है। ब्रेकफास्ट अदिति ने बनाया है, नमकीन जवे, वो सबको अच्छे लगते हैं, वो बनाए हैं। गुड़िया अभी निर्वैर को देख रही थी, मिलजुल के काम हो रहा था, तो बस अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, दिखाती हूँ क्या बनाया है और कैसा बनाया है। वैसे तो अच्छा बनाती है ये हमेशा। ये देखिए, ये बनाया है आज इसने, बहुत टेस्टी बनाती है ये। और ये चाय, टेंटड़े दिखा जरा पैर अपने। ओ हो, लाड साहब आए हैं। गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे थे आप? आज तो आप कृष्ण जी बनोगे, अगर हमने हम बनने दिया हमसे। अखबार दे, अखबार पढ़ लेगा, पढ़ेगा। अखबार मांग रहा, अखबार। काम शुरू हो चुका है, ये बन गया है वेज सैंडविचेस का मिक्सचर, ये बन रही है पनीर सैंडविच का मिक्सचर बन रहा है, ये पनीर काट दिया है मैंने, पनीर सैंडविच बन चुके हैं मेरे। वेज सैंडविच की तैयारी हो रही है, वेज सैंडविच का मिक्सचर अब तैयारी हो रही है, साथ में बन रही है आलू मटर की सब्जी। और ये पूरी किचन फैली हुई है इस समय, क्योंकि चार चार चीजें बन रही हैं, शोर वाली भी चीज बन रही है, पनीर सैंडविच और वेज सैंडविच भी बन रहा है, साथ साथ आलू मटर की सब्जी बन रही है पापा के लिए, हम तीनों के लिए बन रहा है न्यूट्री पुलाव, क्योंकि पापा न्यूट्री नहीं खाते, इसलिए हमारा न्यूट्री पुलाव बन रहा है। तो मैं न्यूट्री को ना दही में मैरिनेट करके रख देती हूँ थोड़ी देर, इससे उसमें अच्छे से स्टफिंग वो खट्टा खट्टा सा लगे थोड़ा सा। तो चलिए बाकी काम करते हैं धीरे धीरे, बहुत सारे एक साथ हो गए काम, तो मैं भी खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। बस मैं सोच रही हूँ निर्वैर जब तक सो रहा है, और अभी निर्वैर की भी सब्जी बन रही है, उसके लिए भी बनाते हैं अभी दाल, दाल बनेगी उसकी और चावल बनेंगे। या देखती हूँ शायद पुलाव ही खाए हमारे साथ, क्योंकि पुलाव मैं उसको अलग से निकाल दूंगी, छोटा सा चावल वाला। चलिए जो भी होगा अभी आपके साथ शेयर कर दूंगी। वेज सैंडविच भी बन चुके हैं, अब ये लेके जा रहे हैं पापा स्टोर पे। हमारे कान्हा जी, वही मेरा कृष्ण कन्हैया, थोड़ी देर में सारी चीजें ना तोड़ दे, बिंदी देखो कैसे लगवाई इसने। चलो सेकंड मॉडल आ गई, तो भी जल्दी आ, इसे कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं पहना हुआ उसने, जो पहना हुआ उसी से खींच ले। मोर भी आया, कछुआ भी आया, ये सुन के भी नहीं रुक रहा है, ये सोच रहे हैं ये सुन के आ जाएगा। मैंने सुबह से अपने कपड़े नहीं चेंज करे इन काम के चक्कर में, बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर गई इसकी गाड़ी, नहीं जाएगा, आलस नहीं है। कौन सी वाली? तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आ रही है, आएगा भी तो नहीं, एक तो खा भी जाएगा इतने भारी में।
कैसे इतना भारी है ही नहीं लहंगा। अपनी शादी में कैसे संभाला था आपने इसको? सॉरी, अपनी शादी में इसे संभाला था मैंने। शादी में सृष्टि जी की शादी है। आयुष और मैंने संभाला, तब तो छोटा भी था ना, 3-4 महीने का था। आजी मनी। तो भाई बहुत मुश्किल से बिठाया इसके, ये माला है देखो, यहाँ हो गया बस इसका। इसने जन्माष्टमी कर ली, ये इसको सिर्फ ये पसंद आया। हाँ बस इसे ये पसंद है, इसको ऐसे रहना पसंद है, और दो बिंदी वो भी टेढ़ी। चलो जी, मैचिंग मैचिंग हो गया मौसियों के साथ। तो क्या कर रही थी? सही बात है, में बना है क्या बोलते हैं, न्यूट्री बिरयानी टाइप और रायता। चलो जी रेडी हो गए हैं घर जाने के लिए। रुको मुझे को बाय कर दे। चलो बाय बाय, पीछे देख के बाय करते हैं। चलो जल्दी आना दोबारा, बाय बाय कर दे तू। फिर इसी सोच रहा मैं भी जा रहा, अब देखा चिल्लाएगा। आज इधर से देखेंगे, आज इधर से देखेंगे, इधर से। ऑटो वाला तो आया नहीं अभी, तुम क्या कर रहे नीचे खड़े हो गए? अच्छा ये रोने लग गया था इन्हें देख के। तो आज मैंने अपने खेत की हरी गमले की मिर्च भी तोड़ दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रही थी, फिर ये येलो रेड होने लग जाएगी। ये भी तोड़ देते हैं, तो अपने आप ही टूट गई। यार इतनी चींटियाँ क्यों हो रही हैं इसमें? तुलसी भी हो गई देखो हमारे, बढ़िया। 3 मिर्च तो हो गई, और किसी पेड़ में, इस पेड़ में भी हो गई है। ये कभी येल्लो होगी, ये कभी येल्लो होगी। है मेरी 4 मिर्च। शाम का समय है, जैसे कि अभी आपने देखा कि समीक्षा और अदिति चले गए हैं घर, क्योंकि आयुष भी पहुंच गया है देहरादून, बस घर पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। और निर्वैर को सुला के आई हूँ, बहुत बड़ी महाभारत की उसे सुलाना गई, वो बहुत वैसे सोने लग गया अलग तरीके से। गोभी की सब्जी बना दी है मैंने, और काम हो चुका है सारा, साफ सफाई कर ली है। वो मेरे को पसीने भी आ गए भाई, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, कपड़े सारे भीग गए दोबारा से जो मैंने निर्वैर के धोए थे। मतलब सारे बहुत ज्यादा नहीं भीगे, लेकिन कुछ हद तक भीग गए। ये देखो बारिश शुरू हो गई है, और आयुष अभी आया नहीं है, कह रहा भूख लग रही थी, तो किसी रेस्टोरेंट में रुके हैं सारे फ्रेंड्स, यहीं पे ये लासा जिसमें मोमोज खाने जाते हैं वहीं पे रुके हैं ये। तो बस अब आ रहा है, कह रहा था तेरे लिए पैक करा दूं, तो मैंने मना कर दिया था, बट इसने पैक करा दिए थे तब तक, क्योंकि मेरा खाने का टाइम हो रहा है, 7 बज चुके हैं। बज गया। हेलो पापा आ गए वापस। आजा बाबू, मजा आ गया बैचलर करके। इसे बैचलर ही कह के गए थे तुम? हाँ। तो क्या मतलब हो रहा है वाली बात बोलने का? बताओ। बढ़िया था, बहुत मजा आया। ठीक था। कितनी रशियन बुलाई हुई थी? रशियन पागल लोग ऐसे काम नहीं करते। जो ऐसी हरकतें बोलता है ना ऐसे, वो सबसे पहले करता है। नहीं तुम खा लो ठंडे हो गए, बेस्ट कोथे लेके आया हमारे पास से फेवरेट। कौन आया? पापा आ जाओ। तो ये है वेज लासा के कोथे, वेज चीज, वेज चीज लाए। तो वेज चीज ही तो खाते तुम? खाएगा। चलिए खाते हैं, यही हो गया मेरा डिनर। तो दोस्तों खाना वाना हो चुका है मेरा, मैंने मोमोज नहीं खाए थे, 2 ही खाए, मन नहीं कर रहा था खाना खाने का ही मन कर रहा था, तो मैंने तो अपना गोभी की सब्जी और रोटी खाई। और आयुष के लिए मैंने बनाई है अब लेमन टी, तो काफ़ी देर हो गई, आयुष नहा भी गया था, तो मैंने उसके लिए बनाई लेमन टी। और निर्वैर के लिए बनाया है बनाना शेक, तो उसका बनाना शेक ना मैंने आज वैसे बनाया है कद्दूकस करके, और उसमें दूध डाल के, मतलब उसका जो दूध है। और लेमन टी रेडी हो चुकी है दोस्तों, डिनर विनर सब हो चुका है, और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। मुझे भी बहुत मजा आ रही है, तो अगर आपको ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज मिस्टर एंड मिसेस सनन गाइस, और प्लीज कमेंट करते रहो। बाय, गुड नाइट।